कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति पर टिप्पणी करना अब धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसके विरोध की आंच अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गई है। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने गए 80 इलाके में दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के बयान पर माफी मांगने की बात भी कही। चूंकि कांग्रेस लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राष्ट्रपति जी को जिस तरह से राष्ट्रपत्नी कह के हंसी उड़ाई, जिस तरह से एक आदिवासी महिला की हंसी उड़ाई, लोकतंत्र का धक्की धज्जियाँ उड़ाई, भारतीय संविधान का मखौल उड़ाया, ये दुर्भाग्यजनक है। हम लोगों ने उसी के तहत सड़क पर पुतला फूंकने का काम किया है। ये दुर्भाग्य है कि इस मुल्क का बुद्धिजीवी चुप है, इस मुल्क के वामपंथी चुप हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेसी चुप हैं, जबकि खुलेआम एक महिला की बेइज्जती की गई है। तो हम लोग एक कहते हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग इसी तरह गांधीवादी तरीके से कार्यक्रम चलाते रहेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।